आज प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत डूंगरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। संबोधन के दौरान मंच पर मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और अर्जुन लाल बामणिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के हर संभव विकास के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने विकास की हर योजना का शुभारंभ इसी अंचल से किया है। इस दौरान सीएम ने डूंगरपुर में 2 SDO ऑफिस खोलने का भरोसा दिया। सीएम ने इसी दौरान किसान कर्ज माफी योजना का भी जिक्र किया और साथ ही उद्योगपतियों के कर्ज माफी पर केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर उनका कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों को भी कर्जा माफ करें। आगे देखते क्या होता है। परसों से हमारे विधायक की बैठक भी है और 27 से सत्र शुरू होगा। पहले प्रस्तुत किया जाएगा और सभी पदाधिकारियों आने वाले वक्त में स्वागत विकास योजनाबद्ध तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय विकास के सभी पदाधिकारियों से और जन कल्याणकारी योजना कैसे आए जनता के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी।